अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक बहुत ही शॉर्टकट और छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एसी डीसी फैन का एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। यहां पर जो हमारे पास स्टेटर है, ये एक एसी डीसी फैन का स्टेटर है और जैसा कि एक एसी डीसी फैन यहां पे भी हमारे पास रखा हुआ है। ये पंखा चलते चलते अचानक से जाम होकर रुक गया। हमने इसमें दूसरा सर्किट लगाया, फिर भी ये पंखा नहीं चल रहा था। और जब हम इसे हाथ से घुमा रहे थे तो ये पंखा जो है बिल्कुल जाम घूम रहा था। जब हमने इसे पूरी तरह से ओपन किया है तो यहाँ पे हमें इसका फॉल्ट दिखा है। ये देखें, इसकी तीन मेन लीडें होती हैं और ये एक कॉमन होता है। तो कॉमन की वायर जो है वो बिल्कुल सही है। जो यहाँ से तीन मेन लीडें निकाली गई हैं, वो वायर जो है खींच के एक दूसरे से मिल गई है। यहाँ पर आप देखें, ये सोल्डिंग लगी हुई है और सोल्डिंग के ऊपर से ये दोनों तारें आपस में चिपकी हुई हैं, जिसकी वजह से यह पंखा चलना बंद हो गया और बिल्कुल जाम हो गया। इस वीडियो के जरिए मैं आपके इलम में ये बात डालना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एसी डीसी फैन एकदम से जाम हो जाता है तो उस सूरत में आपने इसकी जो तीन लीडें हैं उसे देखना होता है। यहाँ पे जैसा कि आप देखें, तीनों लीडें मिली हुई हैं। तो इसके लिए आपको इसे पूरा तरह से ओपन करना होगा। जब ओपन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे फॉल्ट दिखेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एसी डीसी फैन नए कार्ड पे भी नहीं चल रहा होता है, तो उस सूरत में भी जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें स्पार्किंग नज़र आता है या फिर यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। अक्सर ये सिल्वर वायर में देखने को मिलता है। जिस पंखे की वाइंडिंग सिल्वर से की हुई होती है उसमें अक्सर जो है लाइन डिस्कनेक्ट होने का फॉल्ट देखने को मिलता है। सिल्वर वाइंडिंग वाले पंखे के अक्सर ज्वाइंट जल जाते हैं, जिसकी वजह से लाइन आगे जाना बंद हो जाती है और पंखा नहीं चलता है। तो हम यही करते हैं, पंखे को खोल के यहाँ पे लीडें नहीं डाल देते हैं और इसमें भी हम यही करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये लीड काफ़ी छोटी है, तो हम इस कनेक्टर को भी निकाल देंगे और यहाँ से इस लीड को भी निकाल देंगे। डायरेक्ट तीन तार हम यहाँ पे रख के सोल्ड करके और यहाँ से निकाल देंगे और उसे हम डायरेक्ट जोड़ देंगे ऊपर वाले कनेक्टर के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता था। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।